तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं इंडिया की सबसे टैलेंटेड डांसर से, जिसके डांस मूव्स को देखकर ऋतिक रोशन भी हिल गया और मैंने भी 3 बार हिला लिया। अपने वाईफाई का राउटर नेट आना बंद हो गया था। तो गंदी सोच वालों, कतई मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी इंसान में इतने ज्यादा गुण कैसे हो सकते हैं। ये इतनी ब्यूटीफुल, इतनी टैलेंटेड, इतनी अल्टीमेट डांसर, इतनी यार अब झूठ नहीं बोला जा रहा, तुम खुद ही देख लो। नहीं यार, इसी को तो बोलते हैं टैलेंट। किसी भी गाने पे बस यूं यूं चुटकी बजाओ और 19-20 मिलियन फॉलोअर ले जाओ टिकटॉक पे। यहाँ साला घिस गई 1 साल से, 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हो पा रहे, सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे यूट्यूब पे। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। रुको जरा। तो आज के वीडियो में हम रोस्ट करेंगे ब्यूटी खान को। हो सकता है ये वीडियो देख के कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन यार मिर्ची खा के अगर पिछवाड़े में आग ना लगे तो वो मिर्ची किस काम की, वैसे ही रोस्टिंग देख के बुरा ना लगे वो रोस्टिंग किस काम की। देखो, अगर तुमको डांसिंग का अल्ट्रा लेजेंड बनना है ना, तो उसके लिए केवल चुटकी बजाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए तुम्हें कुछ और टैलेंट्स भी आने चाहिए, जैसे कि किसी भी गाने पर मुट्ठी मारना। गंदी सोच है तुम्हारी। मेरे कहने का मतलब है दोनों हाथों से ऐसी मुट्ठी बनाओ और ऐसे ऐसे मारो। मैंने कहा था ना, इस बंदी में इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि भैया तुम खुद सुनो टिकटॉक वाले इनके बारे में क्या बोलते हैं। भाई मान गई, कितना मेहनत किया है यार। पापा पापा, डांस का कोई फायदा नहीं है, यही पापा पापा करो। अब तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे को रोस्ट करने लग गए, तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दें? अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, जब तक हमारे सामने ऐसे ऐसे लेजेंड्स आते रहेंगे इनकी रोस्टिंग तो करनी पड़ेगी। जरा इस बंदे की आंखों में गौर से देखो, इसकी आंखों में मुझे दर्द नजर आ रहा है। ये बेचारा टिकटॉक पे फेमस होना चाह रहा है, इसने सब ट्राई कर लिया, लेकिन जब इसको पता चला कि टिकटॉक तो भैया गू का हिमालय है, तो इसने भी यही सब करना चालू कर दिया। बेचारा अंदर से मर चुका है। खैर, ऐसे नमूनों की बात हम बाद में किसी और वीडियो में कर लेंगे, लेकिन आज हम फोकस करेंगे डांस के ऊपर। तो भैया टिकटॉक की अंधेरी गलियों में घूमते हुए मुझे ब्यूटी खान से भी ज्यादा टैलेंटेड डांसर मिला, जिसका डांस देख के सामने वाले की और डांस करने वाले की टी शर्ट फट जाती है। ये पक्के से अदनान सामी की मोटापे वाली टी शर्ट उठा लाया है, जिनको उसने पतला होने के बाद फेंक दिया था। नहीं, लेकिन इस बंदे के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है, क्योंकि भाई ये कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है। क्रिंज कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, लेकिन भाई चुटकी बजाना और ये न, 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 ये कौन सा टैलेंट है यार। नहीं, कतई 20 मिलियन लोग, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये लोग जो 19-20 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे हुए हैं, ये लोग जो टिकटॉक के सुपरस्टार हैं, ये लोग खाली समय में क्या करते होंगे। चलो जरा ब्यूटी खान से ही इस सवाल का जवाब सुन लेते हैं। घर में हूँ, दोनों टाइम को झाड़ू पोछा कर रही हूँ, 3 टाइम के बर्तन धो रही हूँ, ठीक है? अरे मिस ब्यूटी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ये सारे काम कम से कम अपने खुद के घर में तो कर रही हो, बाकी टिकटॉकर भी यही काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो दूसरों के घर पे जाके करते हैं। मैडम के पास टैलेंट की कमी नहीं है, ये डांस कर लेती हैं, कॉमेडी कर लेती हैं और सीरियस शायरी भी कर लेती हैं। अगर सुनने वाले को सब्र आ जाए ना, तो बोलने वाले की औकात
दो कौड़ी की हो जाती है। हग दिया। हमें मालूम था तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आखिर में तुमको हग नहीं है क्योंकि भाई यही टट्टी देखने के लिए तो लोग टिकटॉक पे तुम्हें फॉलो करते हैं। मुझे मालूम है पक्के से कोई ना कोई होशियार अभी कमेंट लिख रहा होगा कि अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात क्या है, तू ब्यूटी खान को रोस्ट कर रहा है, इतनी टैलेंटेड लड़की है वो, लड़कियों की रिस्पेक्ट किया कर। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मत देख वीडियो को, तू जाके ना वो चुटकी वाला डांस ही देख। रुको जरा, पहले बात तो पूरी होने दो। अर्ज किया है नीला दुपट्टा पीला सूट, निकल तेरी माँ की, इज्जत करता हूँ और लड़कियों की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन लड़कियां हर किसी की इज्जत नहीं करती भाई साहब। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो फेमस होने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं, जैसे कि ये मोहतरमा जिन्होंने फेमस होने के लिए टिकटॉक पर नेशनल एंथम को ही डिसरिस्पेक्ट कर डाला। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़। ऐसी हरकतें करने के बाद ये लोग फिर कमेंट करते हैं कि भाई टिकटॉक का कंटेंट हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बात ऐसी है ना, हमारे टिकटॉक की वीडियो जो है ना, माँ बहन बाप भाई सबके साथ हम बैठ के मना भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। अभी मैं इसकी भी पोल खोलता हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा होता है, कंटेंट नहीं कंटेंट, ये होता है वो होता है। अब जरा इसी का कंटेंट देखो। चल तेरी मारते हैं, आ तेरे झाड़ मुंडन करें हम यूट्यूब पे। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट। तो अगर कोई भी टुकटुकिया ये वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि बाल रंगीन कर लेने से, ये चुटकी पुटकी बजा लेने से लगता है कि तुम सुपर कूल हो, इन जैसों को फॉलो करके लगता है कि अगर तुम सुपर कूल हो तो बेटा तुम ऊपर वाले की बहुत बड़ी भूल हो। क्या बात है, कभी कभी तो ऐसा लगता है शायर बन जाऊं। हाय गाइस, मैं मोनू, मैं खेना छोटा हूँ कि मैं आज यहाँ पे पूरा घूमने के लिए आया हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ, अपने बिंदास हूँ, मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, मुझे रोक लगाने वाला भी नहीं है, टोक लगाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं। नहीं, कभी कभी तो ये लगता है सही में कलयुग आ गया है, कुछ दिन बाद ना टीवी पे तुम्हें ऐसे ही लोग मॉडलिंग करते, फिल्मों में एक्टिंग करते दिखाई देंगे और कुछ दिन बाद तो बच्चों की किताबों में इनकी महानता के किस्से छपे होंगे कि कैसे इन्होंने एक चुटकी बजा बजा के और ये अपनी बातें करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन किए। हेलो गाइस, मैं मोनू, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मिला रहा हूं मेरा पिगी से। पिगी इधर रखो, देखो नहीं देखोगी, नहीं देखोगी पिगी, नहीं देखोगी, आओ पिगी, पिगी पहली फुर्सत में निकल। तो यार बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर इससे ज्यादा देखूंगा और दिखाऊंगा तो मुझे और आपको बवासीर हो जाएगा। तो यार वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।